राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल भारती के पाठों पर आधारित कार्यक्रम। जापान। गुड़ियों का त्योहार आने वाला है। तोको के पास बहुत सी गुड़ियां हैं। वो गुड़ियों के नए कपड़े बनवाना चाहती है। अपनी सुई धागों की पिटारी खोले दादी माँ तोको की इच्छा के अनुसार गुड़ियों के रंग बिरंगे कपड़े बनाती जा रही हैं। सोने चांदी के चमकीले तारों से सजे सितारों जड़े किमोनो में सजी गुड़ियां कितनी सुंदर लगेंगी, ये सोचकर तोको का चेहरा खिल उठता है। तोको जापान देश की राजधानी टोक्यो के समीप एक गांव में रहती है। उसकी उम्र 10 वर्ष है। जापान में मार्च मास के तीसरे दिन गुड़ियों का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से लड़कियों का है, परंतु है ये राष्ट्रीय त्योहार। पूरा राष्ट्र इसे बड़े हर्ष और उल्लास से मनाता है। सभी लड़कियां रंग बिरंगे कपड़ों में सजी अपनी सबसे अच्छी गुड़ियों के साथ मेले में जाती हैं। वहां तरह तरह के खेलों और खाने पीने की चीजों की दुकानें होती हैं। सर्वश्रेष्ठ गुड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है और फिर वे गुड़ियां प्रदर्शनी में रखी जाती हैं। 5 मई को लड़कों का त्योहार होता है, जिसमें लड़के अपने अपने घरों की छत पर मछलियों के आकार के गुब्बारे उड़ाते हैं। चारों ओर फूलों सा वातावरण, हंसते खेलते स्वस्थ बच्चे और बच्चों को भरपूर प्यार और स्नेह देने वाले माता पिता। बच्चे बड़ों के काम में उनकी सहायता करते हैं और बड़े बच्चों की हर बात में रुचि लेते हैं। ये है जापानियों की विशेषता। द्वीपों का देश जापान सूर्योदय का देश कहलाता है, क्योंकि पूर्व में उगते सूर्य के दर्शन सबसे पहले जापान को ही होते हैं। जापान अपनी प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। चारों ओर समुद्र से घिरा जापान छोटे बड़े द्वीपों का देश है। जापान का 3/4 भाग पहाड़ी है। फूजी पर्वत यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। जापानी इस पर्वत को पवित्र मानते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो संसार भर के प्रमुख नगरों में से एक है। ये बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है, पर यहाँ की स्वच्छता और व्यवस्था दर्शनीय है। टोक्यो में हजारों की संख्या में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जिनमें सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं। टोक्यो शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। टोको जब कभी टोक्यो आती है, यहाँ के बड़े बड़े भवनों तथा फैक्ट्रियों को देखकर चकित रह जाती है। कई बार सड़क पर खड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए वाहनों को देखने में वो इतनी लीन हो जाती है
कि दादी माँ के साथ खिलौनों के बड़े स्टोर पर जाना भी भूल जाती है। स्वचालित मशीनों तथा उन पर बनने वाली वस्तुओं के बारे में वो अपने चाचा से पूछते नहीं थकती। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस दौरान सन 1945 के अगस्त मास में अमेरिका ने जापान पर दो बार अणु बम बरसाए थे। इसमें सबसे अधिक विध्वंस जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में हुआ था। इन शहरों में लाखों निरीह पुरुष, स्त्रियां और बच्चे मारे गए थे। ये अमानवीय आक्रमण था। इससे जापान कमजोर हो गया, परंतु उसने आत्मबल और साहस नहीं छोड़ा। वो इस विध्वंस से निर्माण तथा विकास की ओर अग्रसर हुआ। इस निर्माण कार्य में जापान में ऐसी औद्योगिक क्रांति आई कि ये देश समृद्ध देशों की पंक्ति में आ गया। इसका मुख्य कारण है जापान के लोगों का परिश्रमी स्वभाव। किसान हो या श्रमिक, विद्यार्थी हो या कामगार, अपने कार्य को वे इतनी लगन से करते हैं कि सफलता उनके कदम चूमती है। किसी भी कारखाने या कार्यालय को देख लो, कोई व्यक्ति खाली खड़ा या बातें करता दिखाई नहीं देगा। सभी अपने अपने काम में लगे होंगे। सुई से लेकर जहाज तक बनाने में ये लोग सिद्धस्थ हैं। इसीलिए तो विश्व भर के बाजार जापानियों की मेहनत और ईमानदारी से बनी चीजों के ग्राहक हैं। सभी को विश्वास है कि जापान की बनी चीज तो अच्छी होगी ही। यहाँ की रेलगाड़ियाँ संसार में सबसे तीव्र चलने वाली गाड़ियों में से हैं। पृथ्वी के ऊपर ही नहीं, नीचे भी रेलगाड़ियाँ हर समय दौड़ती रहती हैं। जापानी लोगों के घर तो बस देखने लायक होते हैं। इनके घर अधिकतर लकड़ी से बने होते हैं। जापान के पहाड़ी वनों में इमारती लकड़ी बहुतायत से मिलती है, इसलिए जापान के पारंपरिक घर लकड़ी से बने होते हैं। इनका फर्श भी लकड़ी का होता है। इसके ऊपर चटाई की तह होती है, जिसे तातामी कहते हैं। इन घरों में कमरे बनाने के लिए पक्की दीवार बनाने की बजाय खिसकाए जा सकने वाले फ्रेमों के पर्दों का प्रयोग होता है, जिन्हें शोजे कहते हैं। शोजे को खिसकाकर कमरों को छोटा बड़ा किया जा सकता है। शोजे के पर्दों पर बहुत सुंदर चित्रों या डिजाइन वाले कागज लगे होते हैं, जिनसे प्रत्येक कमरा बहुत सुंदर दिखता है। तोको का घर इतना साफ सुथरा और सुंदर है कि बस देखते ही बनता है। घर तो घर, जापान की सड़कें भी काफी साफ सुथरी हैं। जापानी सफाई के प्रति काफी जागरूक होते हैं। सड़क पर कोई कागज या मूंगफली का छिलका या टॉफी का रैपर तक दिखाई नहीं देता। सफाई के लिए दंड आदि का कोई कानून नहीं है। ये तो जापानियों की सामाजिक जागरूकता और संस्कार का परिणाम है। जापानियों का मुख्य भोजन है चावल और मछली।
तोको का भी यही प्रिय भोजन है। चॉपस्टिक या तीलियों से उठा उठा कर चावल और मछली खाने में तोको का जवाब नहीं, सभी सीधे तोको के मुंह में ही जाते हैं। जापानी लोग सब्जियां और फल भी बड़े चाव से खाते हैं। उनका प्रिय पेय है हरी चाय। प्रत्येक भोजन के बाद हरी चाय अवश्य पी जाती है। जापानियों में अतिथि सत्कार की परंपरा प्रसिद्ध है। ये लोग घर में आए मेहमान को भगवान से कम नहीं समझते। ये मेहमान का झुक झुक कर अभिवादन करते हैं। अपने पारंपरिक तरीके से चाय पिलाकर ये अतिथि का सत्कार करते हैं। बच्चे दौड़ दौड़ कर उसके लिए आवश्यक वस्तुएं जुटाते हैं। वैसे तो रोज ही घरों को फूलों से सजाया जाता है, परंतु मेहमान के आने पर तो बस गुलदस्तों की बहार ही आ जाती है। वर्ष का कोई महीना ऐसा नहीं जब आनंद और उल्लास से भरा कोई त्योहार जापान में न मनाया जाता हो। अथक परिश्रम के जीवन में ये उत्सव और त्योहार उनमें ताजगी, उमंग और स्फूर्ति पैदा करते हैं। नए वर्ष का स्वागत तो ये लोग इतने उल्लास से करते हैं कि पूरे सप्ताह ही समारोहों और उत्सवों में मग्न रहते हैं। रंग बिरंगे सुंदर कढ़ाई वाले नए किमोनो पहने लड़कियां तथा महिलाएं और पारंपरिक वस्त्र धारण कर पुरुष मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन करने जाते हैं। वहां फूल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। अधिकतर जापानी लोग बौद्ध हैं। बौद्ध धर्म भारत से चीन और कोरिया में पहले फैला और 6वीं शताब्दी में जापान पहुंच गया। इससे पहले जापान में प्रकृति की उपासना होती थी। इसे शिंतो धर्म के नाम से जाना जाता है। शिन का अर्थ दिव्य है और तो का अर्थ है मार्ग। शिंतो धर्म के मंदिर को जिंजा कहते हैं, जिसमें कोई मूर्ति नहीं होती। आज भी लोग शिंतो और अन्य धर्मों का सम्मान करते हैं। जापान में धर्म को लेकर कभी झगड़ा नहीं होता। जापान फूलों का देश भी है, विशेषकर चेरी का फूल तो जापान का अपना फूल है। चेरी का पेड़ 20-25 फुट ऊंचा होता है। चेरी का फूल छोटे आकार का और हल्के सफेद गुलाबी रंग का होता है। वसंत ऋतु में चेरी के पेड़ ऊपर से नीचे तक फूलों से लद जाते हैं। ऐसे सैकड़ों पेड़ों में जब लाखों फूल एक साथ खिले हों तो उनके सौंदर्य का तो कहना ही क्या। जापान स्वच्छता के लिए भी जाना जाता है। सभी लोग सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। जापानियों में समानता का भाव भी बहुत प्रबल है। सभी बच्चे एक जैसे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। जापानियों की ईमानदारी विश्व प्रसिद्ध है। कई बार पर्यटक अपने कैमरे या कोई अन्य वस्तु बस या ट्रेन में भूल जाते हैं, पर वो उन्हें हमेशा सही सलामत वापस मिल जाती है। 150 वर्ष पूर्व जापान एक पिछड़ा हुआ देश था, किंतु जापानियों ने अपने परिश्रम से अपने देश को अब इतना आगे बढ़ा लिया है कि वो अनुकरणीय बन गया है। जापान। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, विषय संपादक सत्येंद्र वर्मा और लता पांडे, कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार
सुषमा शर्मा, ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।